की बात करूंगा, लड़ाई लड़ाई माफ करो आगे आगे। और इसका रोना धोना ही यही है। हमें कैसे हो जरी व्लॉग? अरे कौन सा बोल दिया मैडम? तो आप पे केस कर देना था। मैं बड़े भाई सोच के मेरी कोई तारीफ करे ना, इसी बेसगुल दी है। आईफोन 12 का 42,000 हो। तू भी कर मेरे पे केस यार। हां तो बोलते रहो, या आप मेरे पे करो या मैं आप पे करूं। और क्या हालचाल? ऐसे मार के सुन रहा है, बेइज्जती कराई हर जगह। साइज देखो भाई कितना बड़ा है। यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, मतलब 28,000 में आप आईफोन 14 लेकर जा सकते हैं। स्टैनली ओए, चलो भाई लेट अस डू द अनबॉक्सिंग। नमस्कार माय पीपल ऑफ इंडिया एंड वेलकम बैक टू आरजे राहुल व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई हो गए हम तैयार जाने के लिए जम्मू शहर। बड़ी मेहनत करी लेकिन मेरी जो रोड है टूटी फूटी, ये अभी तक बनी नहीं है। अब बहुत जल्द मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ धमाकेदार वाले। गर्मियों में सबसे ज्यादा डैमेज अगर किसी चीज को होता है ना, तो वो है हमारी स्किन। और ऐसे हम क्या करते हैं, हम लोग शॉप पे जाते हैं और कोई भी SPF वाली क्रीम जो है उठा के ले आते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल जो के SPF डायरेक्टली 50 वाले उठा लेते हैं और फिर गाइड करना स्टार्ट होते हैं कि भाई SPF 50 बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। देखो होती है, बट आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से SPF वाली क्रीम लेनी चाहिए। तो जो भी आपके डाउट्स है ना क्रीम्स के रिलेटेड, SPF के रिलेटेड, वो बहुत जल्द मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर, बिकॉज मुझे एक दो एक्सेसरीज परचेज करनी है। एट द वेरी सेम टाइम अगर आपको भी कोई डाउट है, अगर आप भी आईफोन लेना चाहते हो बट ऑफर्स के बारे में नहीं जानते कौन कौन सी ऑफर चल रही है, तो बहुत जल्द मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो डालने वाला हूँ एप्पल आई कॉन्सेप्ट गांधीनगर की, दी ऑथराइज रीसेलर। बिकॉज जब भी आपको एप्पल प्रोडक्ट्स परचेज करने ना, तो आपको ऑथराइज रीसेलर से ही परचेज करनी चाहिए। अच्छा देखो, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये आई कॉन्सेप्ट है कहाँ पे। तो देखो ये चौक है, पहलवान वाली गली से आपको सीधे यहाँ पर आना है। लेफ्ट साइड आपके यहाँ पर आ जाता है गुरुद्वारा। आपको लेफ्ट नहीं जाना है, आपको डीप डाउन यहाँ से नीचे चले जाना है। अगर पहलवान से आ रहे तो राइट लेके नीचे जाना है और ठीक 100 मीटर्स के बाद लेफ्ट साइड पे आपका आ जाता है एप्पल आई कॉन्सेप्ट। सो पहुंच चुका हूँ मैं आई कॉन्सेप्ट द एप्पल स्टोर और फिलहाल जेब मेरी ढीली होने वाली है। स्टैनली ओए, स्टैनली देखो भाई कितना प्यारा सा डॉगी है। हम लेने कुछ हो रहे थे और लेके ही जा रहे हैं, लेकर नहीं ये देते हैं, ये नहीं देते। हम तो जो हम लेने आए थे वही लेके जा रहे हैं, बट हम इसको देख रहे भी आए हैं। इट्स वेरी क्यूट। और अगर पलक की वीडियो देख रही है तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि उसको डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। ओए बेबी, ओ बेबी, अरे डेमो टाइप लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आंखें इसके ऊपर सी है। अगर आपको पता है कि कौन सी ब्रीड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। आप मतलब के आईफोन 12 का 42,000 हो गए, मतलब 28,000 में आप आईफोन 14 लेकर जा सकते हैं। यार इसके दिखाओ, कोई स्ट्रैप दिखाओ मुझे। कितने पैसे नंदे यार, ये अच्छा लग रहा है। 9500 करो, इसकी अनबॉक्सिंग करो फिर। चलो भाई लेट अस डू द अनबॉक्सिंग। ओके तो भाई फोन हमने ले लिया है और बहुत बहुत बधाइयां हमारे बानू भाई को। और अभी के लिए हम जाने वाले हैं ब्यूटी एंड फैंटेसी, बिकॉज वहाँ पर हमारा क्या लगता है, वो लड्डू आने वाला है, हमारा लड्डू का लड्डू आने वाला है। कैसे हो जरी व्लॉग? प्रतीक्षा हाय, हम वहाँ पर आ रहे हैं और आप हमें ले रहे हो। हम मुन्ना इसका और इसकी लड्डू को शॉपिंग कराने लाए हो यहाँ पर ब्यूटी फैंटेसी, और यहाँ पर हम आपको बहुत जल्द लेके आएंगे। हाँ डन, गारंटी बोल रहा हूँ। हाय गाइस, ये लेना, ये लेना, वो सोचा लिपस्टिक बिंदी ना, मैं लिपस्टिक लाता ना, मैं बिंदी लाता, वो तो लाती नहीं। मुड़े वास्ते भी लगता है पापा, आओ यार इतने सारे लोग कट्ठे हुए थे, इन्हें तेल चुना गए। आहो पापा, इतने दो बड़े सेलिब्रिटी आए थे, तेल के चुना गए। मैम हाय, क्या हाल है? ये लो गिफ्ट। हेलो मैम, क्या हाल है आपके? कहाँ पे हमारे प्रभु? नहीं नहीं, उसमें उसमें गिफ्ट दे रहे हैं यार, गिफ्ट दे रहे हैं। तुम्हारी शक्ल नहीं, गिफ्ट देने लिए है ये, ऐसा मतलब है। मैं ब्लॉग च नहीं पाना है, नहीं पाना। ये बंदा ऐसा बंदा है ना, लाड़ी कुदू बाहर शॉपिंग करता ना, कुदू कुदू दुकान पर जाना, मारे मैं थोड़े ब्लॉग बना देगा ते मारे भी एक लिपस्टिक दे दो, मारे एक भी बिंदी दे दो, ये मटेरियल ये चलना है, ये कट करिए, ये मेरी प्रमोशन करो ना, डिमोशन करना क्या करा था? ये मनिया तो है अपना चैनल ना था, लेकिन ये मतलब थोड़े कि पुराने चैनल जेडे 1 महीना पुराने ने उन्हें तो करे जो आ सुने आया है मार्केट से, तो पुराने बैठे हो प्लाडी। क्या क्या लेना आपने मैम के लिए? मैम की करना है, मैम को लेके देना है या मैम ने आपको लेके देना है? मैं तो 3.5 कुड़ियां भी परेशान, कुड़ियां जूस तो लेके, वो भी गिजी दी अके, तो 3.5 सीनियर हो तो सुनाओ।
ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇਚਰਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇਚਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਇਹ ਨੇਚਰਲ ਬਿਊਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇਚਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇਵਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਰ ਤੇ ਰੋ ਜਲਾ ਦੇਖੋ ਮੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਰੂ ਆਈ ਦੀ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਰੂ ਕੋਣ ਆਈ ਦੀ ਇਹ ਆਈ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੀ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਇਧਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆਸਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਘਰੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੀ ਚੁੱਡੂ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮੀ ਚੁੱਡੂ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਫੇ ਗੱਫੇ ਖਾਈ ਗਈ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਲਾਡੂ ਲਾਡੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਗੱਫੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਤਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਿਹਤ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਲੌਗਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਡਰਾ ਦੇ ਗਲੀ ਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦਸ ਕਲ ਕੇ ਦਿਨ ਉਸਤੇ ਚਰਨ ਮੰਦਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਬੇਬੀ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕੁੜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਯੈਲੋ ਪਿੰਕ ਕੇ ਪਿੰਕ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਕੀ ਬਾਬੀ ਨੇ ਚੋਇਸ ਕੀ ਵਾਓ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਅੱਛੀ ਚੋਇਸ ਡੇ ਵਨ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਕੱਲ ਗਈ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾ ਕਲਰ ਤਾਂ ਬਾਬੀ ਕੀ ਚੋਇਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬੀ ਕੀ ਚੋਇਸ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਅਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਗਏ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਬਣਾ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਗਏ ਬੜਾ ਅੱਕਾ ਸ਼ਾੜੀ ਫਲਸਫਰੀ ਅਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਅਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰਾਜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੋ ਦੋਨੋਂ ਫਲਸਫਰੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣੀਏ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਤੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੀਰੋ ਬੰਨਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਲਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਲਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਬੰਨਾ ਵੀ ਬੰਨਾ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐਜ਼ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਲਨ ਹੈ ਜੋਜੀ ਵਾਲਾ मैम जो है मीनाक्षी मैम है मुड़िया कौन नहीं जानता इन्हें जानते हो ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਆਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਨ ਕੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਰਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਛ ਬੁੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਕਣਾ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਨਾ ਇਸੀ ਹੈ ਇਸੀ ਬਿਸਕੁਲ ਦੀ ਆ ਬਿਸਕੁਲ ਹੈ ਇੱਕ ਏਸੀ ਦੇ ਕੁਸੀ ਉਸੀ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਮੈਡਮ ਇਹ ਆਈਫੋਨ 12 ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈਤਾ 62 ਕਾ ਤੋ ਹਮ ਜੋ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਕੱਲ ਕਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਪਲ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਕੋ ਬਾਏ ਬੈਕ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਮੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ 42,000 ਆਪਕੋ ਇਸਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਿਰ ਥੋੜੇ ਸੇ ਪੈਸੇ ਡਾਲ ਕੇ ਆਪਕੋ ਆਈਫੋਨ 13 ਜਾਂ 14 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਏ ਕਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਡੋੜ ਵੀ ਚੱਲ ਫਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾੜੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ ਕਰੋਗੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਦੋ ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਉਹ ਮਰਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਾੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰੇ ਸੇਮ ਕਿਸੇ ਆਣਾ ਭਿਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਓਕੇ ਬਾਏ ਭਿਆ दिन है आज मंगलवार का एंड वी कांट ईट नॉन वेज सो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नान खाने बट द पॉइंट इज के 4 बजने वाले हैं और यूजुअली क्या होता है कि जम्मू में 4 बजे नान वाली दुकानें हो जाती है बंद तो अभी हम जाने वाले हैं अप्सरा थिएटर के पास उसके बैक साइड वहाँ पर बानो भाई ने कहा कि एक है नॉन की शॉप अब देखते हैं खुली है नहीं फिर नहीं खुली है क्या वो बंद है अरे भाई साहब डोसा कहाँ भाई पीछे वाला ये भाई साहब बोल रहे मेरी गारंटी पे डोसा कहाँ पे अप्सरा के बैक उमा पापा का शाल नहीं लगा थी तो फिर नहीं अच्छा लगेगा नई वाली बात नहीं चलो चलो फिर चलो तो नान तो मिला नहीं फिलहाल
और अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने, देखते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी है डोसा। चलो भाई साहब देखते हैं और क्या क्या मिलता है। बंदा बेइज्जती करिए यार, हैं बेइज्जती करने लाए थे मुझे दूर से। आओ यहाँ पे आपको पहले उसे दिख रही ना बड़ा बड़ा लिखा उमा क्या होता है लेकिन यार उमा नाम नहीं होता, जैसे उपमा होता है पापा, उपमा डिश होती है, उमा होता है नाम होता है। अच्छा। जैसे आपका राहुल अगर आ देते। अच्छा वैसे उसके कहीं होगा किसी मम्मी पापा का, पापा का तो नहीं, मम्मी का, बीबी का, बहन का, बेटी का। साइज देखो भाई कितना बड़ा है, फीलिंग भी अच्छी हुई है। कैसा है? गर्म है। आपने तो तारीफ करनी ही करनी होती है क्योंकि खुद लेके आए हो यहाँ पे। मैं जो जहाँ पे लेके आऊँगा ना आपको, हाँ वो समझ लो कि मैंने ट्राइड एंड टेस्ट, क्या बोलते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड किया हुआ। चलो मैं भी देखता हूँ। अब मैं सही वाला रिव्यू देता हूँ कि सच में कैसा है। क्या यार, अच्छा यार, अच्छा, वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट। टेस्ट अल्टीमेट था डोसा का और हमने पनीर डोसा खाया। पनीर ऐसे ठूसा हुआ था ना उसके अंदर। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे डोसा वोसा ये सब चीज़ जो है ना ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती तो, बट यहाँ का डोसा सही था। और रेट भी तो ज़्यादा नहीं था, 110 रुपये था, बट उसमें फीलिंग इतनी ज़्यादा थी तो वर्थ था 110 रुपये का पनीर डोसा ना। ये देखिए दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ है। ये मुझे चीज़ बताओ जी, ये आप इससे इतना लड़ते क्यों? ये आज का थोड़ा है, ये आज से 20 साल पहले से कहानी शुरू। ये अपने आप को बोल रहा डायरेक्टर समझता है, मुझे ये चू समझता है, तो अब मैं क्या करूँ? ठीक है, उम्र में ऐसे मैं 10 साल से भी ज़्यादा बड़ा हूँ। ठीक है, अपने आप को ये मामा समझता है, तो मैं क्या करूँ? लड़ूँ नहीं तो उसको क्या करूँ? इसको गालियाँ दूँ तो और क्या करूँ? मैं क्या बोल रहे थे, मैं उस टाइम फोन पे था, मैं सुना नहीं था। क्या बोल रहे, क्या बोली यार तेरे को? जितनी बार बोला कि कोई फिल्म की बात है डायरेक्टर के नाम पे तू भेज, सबसे पहले उछल के आ गया है। डायरेक्ट करूंगा तो डायरेक्टर नाम नहीं दूंगा आपका, आप क्या चाहते हो? एक मिनट प्लीज, मैंने आज तक सारी किसी स्क्रिप्ट के ऊपर किसी बात के ऊपर मैंने बोला मेरा नाम जाएगा यार? आप ही के चाहते हो और किसके साथ? हद हो गई यार, मैं हर कोई फिर वही बात करता था, तू जाके जने खाने को तू सुनाता फिरता है, भैया ये कर रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं यार? भैया कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? एक स्क्रिप्ट ही लिख रहा हूं मैं। तो मैं भी डायरेक्ट ही कर रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं? तो मेरा बोल तो क्रेडिट खा जाता सबके वो। तो हां नहीं, मैंने तो आप पे केस कर देना था, मैं तो मैं बड़े भाई सोच के यार मेरी बात सुन, मेरी बात सुना देते, तुम मुझ पे आज केस करो, मैं नहीं देता केसों वेसों से, तुम आज केस करो मेरे पे जाके। और बड़ी देर से मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, तुमने कई बार मेरा नाम किसी और के साथ भी लिया आजकल, पर उसका जीजा चाचा भाई वो वाली बात भी। मैंने कहा था जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा। हाँ जो जीजा, हाँ। किधर से जीजा आ गया यार, किधर से आ गया? मैंने एग्जांपल दी थी। किसकी एग्जांपल? तू मेरे पास एग्जांपल, कितनी उम्र है तेरी यार? उछाल के ऐसे लाता है और जब छोटी सी बात करो शक्ल का, आप इसकी शक्ल को दिखाओ पहले जाके, ये दिखाओ। मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप का इंसान हूँ। नहीं बाकी अभी मैं दिल पे ले लेता हूं, बाकी सेंसिटिव नहीं है ना विक्रम भाई, मेरी वीडियो तो सही आता है, शरीफ है, मतलब अच्छी जेंटल तरीके से बात करता है। तुम जानते होंगे ना यार राहुल, तुम जानते होंगे, मैं तो 1 साल से जानता हूं, तुम 1 साल से, मैं इसको पिछले 20 साल से जानता हूं यार, 20 साल से जानता हूं, और इसका रोना धोना ही यही है हमेशा से, आज से नहीं है, 20 साल। छोटो किस नहीं होता वो, पता क्या है, वो कोई फिल्म आई पीछे पता नहीं कौन सी, किसी का भाई कौन सी फिल्म है, उसके ऊपर कोई KRK है, उसमें कोई चार बातें वो केस कर सलमान खान उस पर, तू भी कर मेरे पे केस यार। हाँ तो बोलते रहो, या आप मेरे पे करो या मैं आप पे करूंगा, मैं ऐसा तो कोई हमें जानने वाला है नहीं है। नहीं तो तेरे पे, तू तेरी औकात क्या तेरे पे केस करूं? तू कर मेरे पे केस, मुझे तो चार बंदे जानते होंगे, तभी तो कह रहा हूं आपको जानते हो, आप करो केस, तू कर मेरे, मेरी तो औकात नहीं है, मेरे पे तू कर। आशीष भाई क्या लगता है आपको इन दोनों में से सही कौन है गलत कौन है? मैं कुछ नहीं, मैं देखो दोनों आपके दोस्त हैं, बट एक जेन्युइन मैं की बात करूंगा, लड़ाई माफ करो, आगे क्या बोलो। मीटिंग हो चुकी है खत्म और ये कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, इट वाज जस्ट अ लाइटर नोट, बैठे हुए थे हम सोच रहे भाई क्या बनाएं, तो फ्रेम करके हमने ऐसा किया, बट अभी के लिए जा रहे हैं घर की ओर, थक गए हम बहुत ज़्यादा, जाके चाय पीते हैं। अभी निकल चुके हैं हम घर से बिकॉज मेरी प्यारी सी मोहतरमा जो है ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, तो मैं चलो भाई ठीक है जाते हैं और एक ड्राइव पे वो आते हैं। और मैंने भी ये जो है अपना कनाल रोड वाला जो हाईवे है और सॉरी ब्रिज है ओवर ब्रिज, तो ये मैंने देखा था, तो थॉट चलो भाई जस्ट ग्रैब टू आइसक्रीम्स, और आइसक्रीम ग्रैब करने के बाद अभी हम चलने वाले हैं इस ब्रिज पे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है भाई। फील तो है इस हाईवे पे, लाइक अभी 11 बजने वाले हैं और मैं पहली बार इस वाले
ब्रिज पे है तो अच्छा है, इट लुक्स गुड। आगे कहीं देखेंगे एंड 10-15 मिनट लिए स्टॉप। यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, बिकॉज फोन नीचे और पीछे बैकग्राउंड में लाइट है और यहाँ से बैकग्राउंड में भी अच्छा व्यू है, टोटली गुड एंड ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। हाँ, गाड़ियों का शोर शराबा है, इसके अलावा इट इज़ गुड, इट इज़ सूदिंग। डिनर करने के बाद जो लोग आगे पीछे रहते हैं आई थिंक वो वॉक शॉक करने जाते होंगे एंड अब यहाँ पर 20-25 मिनट हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और मैं 1-2 मिनट का ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, इसके बाद ब्लॉग का एंड करेंगे घर जाकर और अभी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। देखो डब्बू तो इसका मन कर रहा था कि भाई घर बैठ के बोर हो रही थी, तो इसने बोला कि चलते हैं थोड़ा सा मुझे घुमा के लाओ, तो मैं चलो घुमा के लाते हैं और खुद भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। एक मैं जब भी कोई स्टार्ट करता हूँ ना व्लॉग, पी पी पा पी पू सारे स्टार्ट होते हैं, तुम्हारे मन वाले मेरे को व्लॉग नहीं बनाने देते। कौन पसंद नहीं, मैं पसंद नहीं है, व्लॉग पसंद नहीं है, दोनों। तो अभी जस्ट आया, चाय पी और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, बट नहीं सो सकते, व्लॉगिंग का ये ड्रॉबैक रहता है, सबसे पहले को व्लॉग एडिट करना पड़ता है, तो ये आज का व्लॉग जो है ये चढ़ेगा कल, और जो कल बनाता हूँ वो चढ़ेगा परसों, और ये देखो जिंदगी के मजे लेते हुए। तो अभी के लिए चलते हैं यार, टेक केयर, बाय, सी यू, गुड नाइट।